तो फाइनली दोस्तों आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति की स्विफ्ट का सेकंड ऑफ ZXi वेरिएंट। यहाँ पर आप देख रहे हो काफी शानदार से आपको इसमें फ्रंट लुक्स मिलने वाले हैं। और साथ ही बात करें इसकी प्राइसिंग से तो 8,30,000 रुपये आपको इसकी एक शोरूम कीमत देखने को मिल जाती है और ये इसका मैनुअल वेरिएंट है। बाकी सारी प्राइसिंग लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 6,30,000 से नए स्विफ्ट की एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है। बात करें फ्रंट डिजाइन की तो कुछ इस प्रकार से आपको फ्रंट में डिजाइन मिलने वाला है। काफी शानदार सी ग्रिल मिलेगी और साथ ही इसके बेस वेरिएंट में भी आपको पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया चीज है। बाकी यहाँ पर आपको पूरे LED में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, DRL मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पर आपको हेलोजन में इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। फॉग लैंप हालांकि इसमें नहीं मिलेंगे और साथ ही साइड में आपको 15 इंच के नए अलॉय व्हील मिलेंगे। और अगर आप इसमें ZXi प्लस लेते हैं तो वहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में अलॉय व्हील मिलेंगे 15 इंच में। बाकी देखो कुछ इस प्रकार से इसकी फ्रंट डिजाइन रहने वाली है। इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको काफी बढ़िया सा इंटीरियर मिलने वाला है। केवल स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर आपको सब कुछ चीजें नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें वाइपर के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे। रियर में भी आपको इसमें वाइपर मिलता है ZXi वेरिएंट इसलिए, और साथ ही हेडलैम्प के कंट्रोल इस साइड मिलेंगे और इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से इसके सारे कुछ कंट्रोल हैं। हालांकि क्रूज कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। 7 इंच की आपको इसमें टच स्क्रीन मिलती है जिसमें कि आपको एंड्रॉइड ऑटो और साथ ही एप्पल कारप्ले मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही अब इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। नीचे आप देखेंगे इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, USB आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा और साथ ही 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर के साथ में यहाँ पर मिल रहा है आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स जो कि पहले ही देखने को मिलता था। और हालांकि इसमें आर्मरेस्ट आपको टॉप एंड मॉडल में भी देखने को नहीं मिलता। बाकी ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। हालांकि अच्छा खासा सामान भी आप इसमें रख सकते हैं और ये कूल्ड नहीं मिलता है, ZXi वेरिएंट है लेकिन इसमें आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। कुछ इस प्रकार से आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा और साथ ही ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर आपको टिकट होल्डर मिलेगा। बीच में आपको मिलेगी रूप लैंप जो कि हेलोजन में रहने वाली, और साथ ही यहाँ पर आपको माइक भी देखने को मिल जाता है। डे नाइट IRM में आपको देखने को मिलेगा मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में, और साथ ही पैसेंजर साइड में आपको सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें रियर सीट में, यहाँ पर आपको रियर में कुछ इस प्रकार से डोर हैंडल मिलेंगे क्रोम में। रियर में आपको देखेंगे तो डोर के ऊपर जो प्लास्टिक का टच मिलता है वो सारा हार्ड प्लास्टिक है। रियर में आपको डोर के ऊपर स्पीकर भी मिल जाता है। सीट तो हालांकि काफ़ी अच्छी खासी कंफर्टेबल है, फैब्रिक सीट मिलती है इसमें। रियर में आपको अब AC वेंट भी देखने को मिलने लग गए हैं और रियर पैसेंजर के लिए आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलने लग गए हैं। पीछे हेडरेस्ट मिलेंगे आपको 2 एडजस्टेबल और साथ ही आर्मरेस्ट आपको ZXi वेरिएंट में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका डैशबोर्ड ZXi वेरिएंट का। बाकी गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें कुछ इस प्रकार से आपको साइड प्रोफाइल मिलने वाली है और सी पिलर भी आपको ब्लैकआउट मिलने वाला है। ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलता, प्लेन रूफ मिलती है, पीछे आपको नॉर्मल सा एंटीना मिल जाएगा। और रियर में बात करें ZXi वेरिएंट में आपको देखेंगे तो रियर में हेड लैंप मिलेगा, वॉशर मिलेगा और साथ ही रियर वाइपर भी आपको देखने को मिल जाता है। और रियर में आपको विंडशील्ड के ऊपर डीप होगर भी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इसका ZXi वेरिएंट है। बाकी रियर में आपको टेलगेट के ऊपर स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिलेगी और साथ ही सुजुकी का लोगो मिल जाता है। टेललाइट की बात करें तो सी शेप में आपको काफी शानदार से LED में टेललाइट मिल जाते हैं जो कि देखने में गाड़ी के ऊपर काफी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी रियर में आपको 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, हालांकि कैमरा आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपको कैसी लग रही है इसकी रियर प्रोफाइल कमेंट में जरूर बताना। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 265 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और साथ ही इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको नया Z सीरीज वाला 1200cc का 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है जिसमें कि आपको 82 PS की पावर और साथ ही 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। हालांकि मारुति का कहना है कि आपको इसमें माइलेज काफी बढ़िया मिलेगी, वो तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। अब आप कमेंट पर ये बताना है कि आप 9-9.5 लाख ऑन रोड इस स्विफ्ट के ऊपर खर्च करना चाहोगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना, या फिर किसी और सेगमेंट की कार को लेना प्रेफर करोगे।